हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए पेट्रोल डीजल का शेयर है, डिविडेंड से मालामाल करने वाला शेयर है। लेकिन इस बार अब आप सोचोगे आगे क्या है, इस बार से मतलब क्या है। चलिए देखते हैं वीडियो में इस बार क्या हुआ, क्या डिविडेंड, क्या टेक्निकल, क्या फंडामेंटल और कितना प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें देखते हैं छोटे से वीडियो में। अगर मैं बात करूँ पिछले डिविडेंड की, तो पिछला डिविडेंड इसका कुछ इस तरीके से है। 2019 में अभी दो चार महीने के अंदर ही 11 और 8 19 रुपये का डिविडेंड देते हैं। 2018 में 14 और 7 21 रुपये का डिविडेंड। उसी तरीके से 2017 की बात करो, 16 की बात करो, हर बार भर भर के डिविडेंड देने वाला शेयर। नाम है इसका भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी कि रिफाइनिंग, BPCL के पेट्रोल पंप, डीजल पंप, ये तो आपने देखे होंगे भाई। अल्टीमेट 75,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 346 का प्राइस, 10 रुपये पे 1 रुपये कमाता है, बढ़िया PEG रेशियो, सारी चीज़ें। स्टॉक की सेल्स ग्रोथ अगर आप यहाँ पे देखें तो 16-17% के आसपास की, प्रमोटर होल्डिंग जबरदस्त, अर्निंग पर शेयर बढ़िया, मतलब बेहतरीन शेयर तो है ही है। लेकिन इस बार तो फिर सोच रहे होंगे यार अब क्या हो गया, लेकिन इस बार तो देखिए, लेकिन इस बार ये देखिए आप, अभी 7-7:30 बजे इस बार का रिजल्ट आया, तो इस बार का रिजल्ट देखते हैं। सीधे प्रॉफिट की तरफ लेके चलता हूँ आपको। इस बार का प्रॉफिट 1,075 करोड़ हुआ है जून में, जो कि पिछले साल जून में 2,293 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब समझिए आप, आधे से भी कम प्रॉफिट इस बार हुआ है। तो लेकिन इस बार प्रॉफिट कम हुआ है, और वो भी पिछले साल मैंने पिछला मार्च 2019 में 3,124 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे 1/3 प्रॉफिट हुआ है। अब आप सोचिए भाई, टोटल इनकम की बात करूं तो टोटल इनकम 82,978 करोड़ से बढ़ के 86,398 करोड़ गई है, लेकिन इस बार प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है क्लियरली। तो इस बार के लेकिन इस बार से क्या असर पड़ सकता है शेयर के प्राइस पे? शेयर ऑलरेडी एक टाइम पे 500-550 के लेवल से गिर के 250 के लेवल आ गया था, मतलब आधे प्राइस से भी कम, और इस बार इसने कोशिश जरूर करी, लेकिन इस बार का रिजल्ट जो बुरा रहा, तो मुझे लगता है फिर से शेयर कहीं अपने 250 के लेवल को प्राइस ना ढूंढने लग जाए धीरे धीरे करके, क्योंकि लेकिन इस बार प्रॉफिट में कमी देखने को मिली है। इसीलिए ये था भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और जो रिजल्ट है वो मार्केट क्लोजिंग आवर्स के बाद आया है, तो इसका सीधा असर कल यानी कि मंडे जो मार्केट आवर्स होंगे, स्टार्ट होगा, ओपनिंग होगा, तो वहां पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। तो ये आपने देखा भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का शेयर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।